शराबबंदी वाले बिहार में शराब से जुड़े कई मामले यूं तो उजागर होते रहते हैं। वहीं आपको बतला दें कि कभी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है तो कभी आंखों की रोशनी चली जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। वहीं इसी बीच आपको बतला दें कि राजधानी पटना से एक खबर सामने आ रही है, जहां दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। दोनों गुट के लोग नशे में चूर नजर आए। बता दें कि शराब पीने के दौरान दो किशोरों के बीच विवाद शुरू हुआ और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यह एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के नूरानी बाग स्थित ग्वाल टोली इलाके का है, जहां पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई और बहस होते होते जमकर मारपीट होने लगी। बतला दें कि बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के तरफ से ईंट पत्थर भी चढ़ने लगे। लोगों का कहना है कि उस दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन किसी को किसी भी तरह की हताहत नहीं हुई है। बतला दें कि जिस तरीके से शराब पीकर इस तरह से लड़ने का मामला सामने आया है, ईंट पत्थर से और साथ ही फायरिंग का मामला सामने आया है, ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जहां शराबबंदी वाले बिहार में शराब पर कोई कंट्रोल नहीं है, जहां इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ चुका है कि लोग के हाथ में आसानी से कट्टा बंदूक मिल जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बतला दें पुलिस छानबीन में जुटी है। मौके पर जहां डीएसपी अमित सरन ने बताया कि फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही मारपीट करने वाले दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्यूरो सिटी पोस्ट लाइव।